आप सब महनीय लोगों को मैं सादर प्रणाम करता हूं, विशेष रूप से चेयरमैन बीएल साहब आपको बहुत बहुत बधाइयां। ऐसे समय में दो कुलों का हित करने वाली बेटियों की शिक्षा के विषय में आपने सोचा, इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। मैं इस परिसर में आने के बाद मिश्रित विचारों से घिरा हुआ हूं। एक तरफ तो मेरा मन हर्षित है कि यहां के एक स्थानीय नागरिक ने कुछ और करने की बजाय, इस पैसे को कहीं और निवेश करने की बजाय, उन्होंने ये सोचा कि बच्चियां कैसे पढ़ें। क्योंकि एक बच्चे को आप पढ़ाते हैं, एक युवक को आप पढ़ाते हैं, एक लड़के को आप पढ़ाते हैं, तो एक परिवार की प्रगति सुनिश्चित होती है। एक बेटी को आप पढ़ाते हैं तो दो परिवारों की स्थिति सुनिश्चित होती है, उनकी प्रगति सुनिश्चित होती है। मैं बचपन में जब संस्कृत का व्याकरण पढ़ता था तो उसमें बेटियों के लिए एक शब्द आता था, दुहिता। और संस्कृत के आचार्य मेरे पिता ने मेरी बहन को उसकी संधि पढ़ाते हुए कहा कि दूरे हिता इति दुहिता, जिसे दूर कर देने में हित है वह दुहिता है। और तब भी मैंने प्रतिक्रिया दी कि ये तो गलत व्याख्या है। मेरे पिताजी ने मेरी माँ से कहा कि तुम्हारे घर में पाणिनी पैदा हो गए, व्याख्या को गलत बता रहे हैं। लेकिन तब भी मेरे मन में इसके प्रति विद्रोह था, और आज भी है। अगर दुहिता शब्द की कोई व्याख्या हो सकती है तो वो ये कि जो दो कुलों का हित करे वो दुहिता होती है, वो बेटी होती है। बीएल साहब, आपने इतना परिसर बनाया, स्विमिंग पूल बनाया, मैं आपकी पूरी रेंज देख के आया। एनसीआर में रहता हूं, राजधानी क्षेत्र में, विश्व के कुछ देशों में शिक्षा देखने भी लिख गया हूं। संयोग से या दुर्योग से राजनीति में भी कुछ दिन गया था। चूंकि यहां सांसद महोदय बैठे हैं, विधायक जी बैठे हैं, पूर्व विधायक जी बैठे हैं, जज साहिबान बैठे हैं, मुझे सत्य बोलने की बीमारी और चस्का है। ये आपका काम नहीं था, शिक्षा के लिए इतना सुंदर परिसर बनाना आपका काम नहीं था, अस्पताल बनाना किसी का काम नहीं था। ये स्टेट के काम थे, ये राज्य के काम थे, ये शासन के काम थे। और ये अक्सर सरकारों के सामने बोलता रहा हूं, पुरुषार्थ पूर्वक इस देश का नागरिक 100 रुपए कमाता है। मुझ जैसे एक सामान्य अध्यापक के लड़के ने, जिसने इंजीनियरिंग से मुंह मोड़कर कविता की तरफ प्रयाण किया, मैंने अपनी योजना, अपनी प्रतिभा, अपनी क्षमता, जो भी वाग्देवी का वरदान था, उसका प्रयोग करते हुए अगर 100 रुपए कमाए तो सरकार ने मुझसे कहा कि प्रभु, ये आपने जो 100 रुपए कमा लिए आपके पास ज्यादा हो गए, इनमें से 37 रुपए दे दीजिए। तो मैंने कहा चलिए ले लीजिए, क्या करेंगे? बोले इसमें स्कूल बनाएंगे, इसमें सड़क बनाएंगे, इसमें अस्पताल बनाएंगे। मैंने दे दिए। उसके बाद मैंने और पुरुषार्थ करा, थोड़े और पैसे कमाए, तो मैंने अपने ऑफिस के लोगों से कहा भाई एक गाड़ी खरीद के लाओ, बहुत मेहनत की है जिंदगी में, रोडवेज की बसों में धक्का खाया है, 3 टायर में चले, अब कार में चलेंगे, मर्सिडीज में। तो उन्होंने कहा ठीक है साहब, कितने पैसे की आएगी? 1 करोड़ रुपए की। मैंने कहा ये लो चेक। बोले नहीं नहीं 1 करोड़ 28 लाख दीजिए। मैंने कहा 28 लाख किसके? बोले वो सड़क जिस पे आप चलेंगे। मैंने कहा उसके तो 47 रुपए ले चुके। बोले नहीं नहीं सड़क के अलग से लगेंगे। मैंने दे दिए। इसके बाद मैं जैसे ही हाईवे पे चढ़ा, वहां कुछ लोग मिल गए रास्ता रोक के, बोले 500 रुपए दीजिए। मैंने कहा किस बात के? बोले सड़क के। मैंने कहा वो तो मैं 2 बार दे के आया हूं। बोले नहीं ये अच्छी सड़क है, इसके 500 रुपए अलग लगेंगे आप। अब प्रभु आपने मुझसे 3 बार पैसे ले लिए, लेकिन जब मैं नवलगढ़ के लिए उतरा हाईवे से तो सड़क गड़गड़ गड़गड़ करने लगी। तो भाई जब 3 बार पैसे लिए तो वहां भी एक आदमी खड़ा करो, राजकुमार जी 500 रुपए वापस दे के आपसे पैसे ले लिए थे, पैसे वापस कर रहे हैं। दिस वॉज नॉट मीन्ड फॉर स्टेट। दुख का विषय, ये काम समाज का नहीं था, ये काम टैक्स लेने वाली सरकारों का था। लेकिन मैं उन लोगों को दोनों हाथ सलाम करता हूं कि जो हमारे ही द्वारा निर्वाचित शासन के फेल हो जाने पर इन नौनिहालों की आंखों के सपनों के लिए अपने सपने कुर्बान करके इतना सुंदर और विशाल परिसर डेवलप करते हैं। एक छोटी सी बात मुझे अध्यापकों से करनी है, अध्यापिकाओं से करनी है। बहुत पहले प्रोग्राम करने के लिए गया पंजाब में एक विश्वविद्यालय में, तो उन्होंने मुझसे कहा कुमार जी हमारी यूनिवर्सिटी 700 एकड़ में फैली हुई है। तो मैंने कहा अच्छी बात है जी। फिर उनके मैं चैंबर में गया तो मंच पे जाने से बोले कुमार साहब 700 एकड़ में फैली हुई इंजीनियरिंग कॉलेज है उनका।
मैंने कहा अच्छी बात है साहब। फिर मैं माइक पर खड़ा होकर कविताएं सुना रहा था, बोल रहा था, फिर वो नीचे से कहने लगे 700 एकड़। तो मैंने कहा जी मैकेनिकल इंजीनियरिंग कितने बड़े खेत में पढ़ाते हो? आगे आगे बच्चा दौड़ रहा है, पीछे पीछे प्रोफेसर दौड़ रहा है, क्या ऐसा कुछ होता है क्या? बिल्डिंग्स माध्यम हो सकती हैं, लेकिन इसमें से इस बीज का परिरक्षण होगा। वो जो दो हथेलियां हैं वो इन शिक्षिकाओं की हैं, इन अध्यापिकाओं की हैं, जो दीप प्रज्वलन कर सकती हैं। चेयरमैन साहब, बीएल साहब अच्छा परिसर दे सकते हैं, एयर कंडीशन लगा सकते हैं, स्विमिंग पूल कर सकते हैं, लेकिन उस बच्चे के अंदर यह तितिक्षा पैदा करना, यह युत्सा पैदा करना, यह अभीप्सा पैदा करना कि मुझे इस स्विमिंग पूल में उतरकर दुनिया की पहले नंबर की तैराक बनना है, वो उसकी स्पोर्ट टीचर कर सकती है। हिंदी की कक्षा में बैठने वाली बच्ची के मन में यह बात पैदा करना कि मुझे महादेवी वर्मा की और मीरा की परंपरा की दुनिया की सबसे बड़ी कवित्री बनना है, ये हिंदी की अध्यापिका कर सकती है। हम सब अपने अध्यापकों के सवारे हुए हैं। अगर मैं इंजीनियरिंग नहीं कर पाया तो उसका कारण मेरे अध्यापक है, और अगर मैं हिंदी में कविताएं कर पाया तो उसका कारण भी मेरे अध्यापक है। अगर मैं विश्व भर के 25-30 देशों में जाकर अपनी बात कह पाया, चाहे हिंदी में चाहे अंग्रेजी में, तो उसका कारण भी मेरे अध्यापक हैं। क्योंकि एक समय आता है, आप सब जानते हैं जो यहाँ अभिभावक बैठे हैं, कि अध्यापक ये समय अजीब आ गया है कि जब छोटे बच्चे के हाथ में मोबाइल है और वो गुरु से ज़्यादा गूगल पर भरोसा करता है। लेकिन एक समय हमारे परिवारों में अब भी मध्यम वर्गीय में ये है कि अध्यापक की मान्यता घर के लोगों से ज़्यादा है। मेरी छोटी बेटी एक स्कूल में पढ़ती थी, छोटी क्लास में पढ़ती थी, 3री-4थी क्लास में। उसको जो बच्ची पढ़ाती थी वो बीए कोई लड़की रही होगी जो डीपीएस में हिंदी पढ़ाती थी। उसने एक वर्तनीय शुद्धि कर दी, और मैं हिंदी का प्रोफेसर 17 साल से हिंदी पढ़ा रहा था महाविद्यालय में, यूनिवर्सिटी एजुकेशन में। मैंने अपनी बेटी से कहा अचानक कि बेटा ये स्पेलिंग ठीक नहीं है, वर्तनी ठीक नहीं है। तो उसने मुझसे कहा आप चुप रहो, आपको पता नहीं मेरी मैडम ने लिखवाई है। आप ज्ञानपीठ पालो, आप नोबेल पुरस्कार पालो, बच्ची के लिए, बच्चे के लिए अंतिम अधिकृत विद्वान उसका शिक्षक होता है। और शिक्षक के अंदर ये आत्मगौरव लाना कि वो इस राष्ट्र का निर्माण कर रहा है, जैसा चेयरमैन साहब कह रहे थे, वो कैसे आएगा? वो आएगा अभिभावकों का उसके प्रति आदर का भाव देखकर। मुझसे अक्सर लोग कहते हैं बुरा मत मानिएगा बीएल साहब, और मैं आशा करूंगा आप आगे भी बढ़ाएं इन स्कूलों को। आज मेरे कवि के हाथों आपने इस विद्यालय का उद्घाटन कराया है। मैं बच्चों में भाई तेजस्विता के बीजारोपण का प्रयास मात्र कर रहा हूं। जिस दिन मुझसे कहते हैं कि स्कूल अच्छा कैसे बनेगा, एजुकेशन अच्छी कैसे होगी, बहुत सारे मेरे दोस्त मिलते हैं जिन्होंने बड़े बड़े स्कूल बनाए, कुमार साहब आपने तो शिक्षा में इतना काम किया कैसे बनेगा। इंजीनियरिंग कॉलेज के मालिक मुझसे कहते हैं, तो मैं उनसे एक ही बात कहता हूं, जिस दिन कॉलेज के प्रबंधक और चेयरमैन का केबिन छोटा और प्रिंसिपल का केबिन बड़ा हो जाएगा, उस दिन ये प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। ओनरशिप ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन लाइज विद द टीचर ओनली। आपने एक पोडियम तैयार किया है बीएल साहब, जिस दिन आपको 10 साल बाद, 15 साल बाद दुनिया के किसी दौरे में घूमती हुई कहीं एक भारतीय लड़की मिलेगी गूगल की 2री-3री पोजीशन पर, 1ली पोजीशन पर, आप लूसन लेक पर घूम रहे होंगे स्विट्जरलैंड में, आप वेनिस में घूम रहे होंगे गेंडोला में, आप फ्लोरेंस की गलियों में होंगे, और वो दौड़ती हुई आपको पहचान करके कहेगी सर मैं आपके स्कूल में पढ़ी हूं। दुनिया की सारी पद्मश्रियां छोटी लगेंगी, दुनिया के सारे भारत रत्न छोटे लगेंगे। ये जो अध्यापक के अंदर आत्मविश्वास पैदा करना है कि तुम कुछ बड़ा काम कर रहे हो। मैं देखता हूं कि एक नायब तहसीलदार की चाल में खनक है, एक दरोगा की चाल में आत्मविश्वास है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज के प्रोफेसर साहब की चाल में आत्मविश्वास नहीं है। वो इसी प्रॉब्लम में उलझे पड़े कि सरकार कांग्रेस की आएगी तो रूकटा की चलेगी, और भाजपा की आएगी तो रूकटा रा की चलेगी। उनका सारा शोध इसी विषय में है कि ट्रांसफर कैसे बचेगा, जैसलमेर कैसे चला जाऊंगा, डूंगरगढ़ कैसे चला जाऊंगा। उसके आत्मविश्वास की हत्या मिलकर की है इस पूरी व्यवस्था ने। एक तेजस्वी अध्यापक क्या बना सकता है, यह भारत का इतिहास भी बताता है और विश्व का इतिहास भी बताता है। सिकंदर भारत की तरफ चला था तो कोई योद्धा नहीं चला था, महान गुरु अरस्तु की परंपरा चली थी। और जब वो आधी लड़ाई सिल्यूकस के हाथ में छोड़कर गया था तो लड़ाई सिल्यूकस और चंद्रगुप्त के बीच नहीं थी, दो गुरुओं के बीच में थी। एक यूरोप का गुरु था जिसका नाम अरस्तु था, और एक भारत का गुरु था जिसका नाम कौटिल्य चाणक्य था, और इस लड़ाई में भारत का गुरु जीता था। विद्या देने के लिए आत्मदीप्ति चाहिए, विद्या देने के लिए ये आत्मविश्वास चाहिए जो मेरे पिता के पास है। 87 साल की आयु में
आपकी अदालत का एपिसोड हो या आपके किसी कार्यक्रम की क्लिप हो, वो आज भी अधिकारपूर्ण तरीके से मुझे फोन करके बोल देते हैं, मूर्ख हो तुम, क्या मूर्खतापूर्ण उच्चारण कर रहे थे, इसका उच्चारण यह नहीं यह होता है। और वो पाणिनि का एक सूत्र साथ में बताते हैं और मैं बिल्कुल जिज्ञासु विद्यार्थी की तरह कहता हूं, जी 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 अगली बार याद रखूंगा। यह आत्मविश्वास जो मेरे पिता में है, यह आत्मविश्वास अगर गुरु में आ जाएगा बच्चे के प्रति, और यही विनम्र भाव बच्चे में आ जाएगा, तो मेरी जिव्या पर माता सरस्वती कृपा करें, मैं ये कह सकूंगा आने वाले 15-20 वर्षों में दुनिया में और पूरे भारत में कुछ बच्चियों से मिलकर कि मुझे गर्व है बिटिया कि तुम्हारे कॉलेज के पहले दिन उसका उद्घाटन करने के लिए मैं गया था तुम्हारे साथ। इसीलिए आज जब रिबन काटा जाने वाला था और बीएल सर ने कहा कि आप इसका रिबन काटिए, तो मेरे साथ जो बच्ची चल रही थी, जो इन्होंने ड्रिल की एक बच्ची लगाई थी, मैंने वो कैंची उसके हाथ में दे दी। मैंने कहा बेटिया तुम काटो, मैं तो जानता भी नहीं कौन बच्ची थी, मैंने कहा आप काटो, वो स्कूल की बच्ची है। क्योंकि एक छोटा सा उत्प्रेरण, एक छोटा सा कैटलिज्म बच्चे का जीवन बदल सकता है। और ये याद रखिए कि शिक्षा से नहीं कुछ होगा, विद्या से होगा, संस्कृति और परंपरा के ज्ञान से होगा। यहां सदन में प्रतिनिधित्व करने वाले स्वामी जी बैठे हैं, वे इस बात से भी सहमत होंगे और मैं अपनी बात का अनुमोदन उनके माध्यम से चाहूंगा। शिक्षा से अगर सब कुछ ठीक होता, क्योंकि मैं तो भुक्तभोगी हूं, मैंने दो लोगों के साथ काम किया सामाजिक आंदोलन, मैंने एक चौथी फेल आदमी के साथ किया जो चौथी पास था केवल, महाराष्ट्र का रहने वाला, और राजनीति मैंने एक ऐसे आदमी के साथ की जो भारत की सर्वोच्च एजुकेशन लेकर आया हुआ था, और मैंने दोनों की सोच में अंतर देखा, दोनों की व्यवहार विधा में अंतर देखा। शिक्षा से नहीं होगा, विद्या से होगा। जो चेयरमैन साहब ने कहा कि हमारा अंतिम लक्ष्य यह रहना चाहिए कि हम राष्ट्र की, इस मनुष्यता की सेवा में अपना यत्किंचित योगदान दे रहे हैं, यह कृतार्थ भाव, यह विनम्रता जिस दिन आपके और मेरे अंदर आ जाएगी, उस दिन अपना काम प्रारंभ हो जाएगा और देश महान जहां दिशा में जाना है वहां पहुंचना प्रारंभ हो जाएगा। तो यहां जो मेरी बहनें बैठी हैं, जो कल से इस महाविद्यालय में, इस विद्यालय में अभी से जो शिक्षा का काम दे रही हैं, मैं उनसे यह निवेदन करना चाह रहा हूं, अपने वेतनमान से अपने अस्तित्व की तुलना कभी मत करना। तुम्हारा वेतनमान केवल तुम्हारे जीवन यापन के लिए, तुम्हारा वेतनमान तुम्हारी तेजस्विता की रक्षा करने के लिए, लेकिन जो तुम्हें काम मिला है वो इस सदन में बैठे बड़े बड़े लोगों को नहीं मिला है। तुम्हें काम मिला है कि एक छोटी सी दीप शिखा को तुम ज्वाला बना सकती हो जो पूरे विश्व में प्रकाश फैलाएगी। तुम्हें काम मिला है कि तुम एक बच्ची के माध्यम से दो घरों में वो उजाला फैला सकती हो जहां तपस्वी पैदा हो, जहां एपीजे अब्दुल कलाम पैदा हो, जहां बड़े बड़े विश्व नागरिक पैदा हो। अक्सर क्योंकि मैंने पढ़ाया भी है और मेरा शिक्षकों का परिवार है, मेरे पिताजी प्रोफेसर रहे, मेरे घर में अभी भी हम 5 भाई बहनों में केवल मैं और एक मेरा इंजीनियर भाई, चलो मैं तो पहले भी शिक्षक था, केवल एक ही व्यक्ति बाहर है, बाकी 9 के 9 लोग शिक्षा में है, कोई वाइस चांसलर है, कोई विश्वविद्यालय में आचार्य है, अध्यक्ष है, कोई कुछ पढ़ाता है। तो मैंने इस पूरी प्रक्रिया को पास से देखा है, बहुत पास से इसे अनुभव किया है। अध्यापकों से भी, प्रबंधकों से भी अनुरोध है और खास तौर पर माता पिताओं से अनुरोध है कि वे देखिए, आपके घर में जो पालतू कुत्ता है ना, हमारे दिल्ली में, नोएडा में, गुड़गांव में, उसको दिन भर छोड़कर जाने के लिए कुत्तों के बोर्डिंग बनाए गए हैं, या कैट पेरेंट्स, डॉग पेरेंट्स इनलिस्टेड है कि मुझको कुत्तों का शौक है तो मुझको कॉल किया जाएगा कि आप मेरा शिटजू एक दिन के लिए रख सकते हैं क्या। एक कुत्ते को छोड़ने तक के लिए लोग प्रोफाइल चेक करते हैं। एक जीते जागते मनुष्य को, अपने जिगर के टुकड़े को, अपनी आत्मा के अंश को, अपने अवतंश को, अपनी बिटिया को किसी ने आपके हाथ में सौंप दिया है, अगर अपनी बिटिया से ज्यादा इसे प्यार नहीं दिया, दुलार नहीं दिया, तो आपका अध्यापक होना बेकार है। यहां पर अपनी बेटियों को छोड़ते समय मनुष्य को लगे कि मेरे परिवार में भी, मेरे घर में भी जो न मिल पाएगा वो इस लड़की को यहां मिलेगा, जो सुविधाएं मिली हैं उसके अतिरिक्त उसे लगे कि ये मिलेगा। क्योंकि अगर शिक्षा ने ठीक काम किया होता केवल शिक्षित होने में, मैं मानता हूं कि शिक्षित होने की आवश्यकता है, मैं मानता हूं कि प्रोफेशनल एजुकेशन की आवश्यकता है, जो आपने महत्वपूर्ण काम यहां किए हैं कंप्यूटर्स में, जो भी आपने रोबोटिक्स में इतनी सारी चीज की है, उन सब की आवश्यकता है, लेकिन जो मूल संस्कार विद्या का है उसकी आवश्यकता है। क्योंकि अक्सर मैं ऐसा प्रयोग सामने के एक बोर्ड पर करता हूं, एक तरफ लिखता हूं शिक्षित, एक तरफ लिखता हूं अशिक्षित, और फिर लिखता हूं आइए बात करते हैं कि विश्व में होने वाली समस्याओं में किसका योगदान है। जैसे एक समस्या है प्रदूषण, सब हम इससे दुखी हैं,
प्रदूषण शिक्षित कर रहा है कि अशिक्षित कर रहा है? गांव में प्रदूषण देखा आपने, दिल्ली में है, गुड़गांव में है, लेकिन वहीं से 40-50 किलोमीटर दूर जो मेरा कॉटेज है, जहां केवी कुटीर जहां मैं रहता हूं, वहां नहीं है। गांव वाले को पता है कि क्या जलाना है और क्या नहीं जलाना है। भाई भतीजावाद ये शहर में है कि गांव में है? मैं तो उस गांव से आया हूं जहां गांव की किसी भी जात की लड़की अगर दूसरे गांव में ब्याही भर गई है तो मेरे बाबा उस दूसरे गांव का खाना नहीं खाते थे कि अपने गांव की बेटी ब्याही गई है। ये हमारे गांवों की परंपरा रही है। तो भाई भतीजावाद शहर में ज्यादा है कि गांव में ज्यादा है? भ्रष्टाचार शिक्षा के कारण है कि अशिक्षा के कारण है? शिक्षित आदमी ने बताया कि भ्रष्टाचार कैसे होगा, अशिक्षित तो नहीं बताया। इसका मतलब क्या है? गांव का आदमी शिक्षित नहीं है लेकिन विद्या संपन्न है। उसे पता है कि ये लोभ है, इससे दूर रहना है। उसे पता है कि ये लालच है, इससे दूर रहना है। उसे पता है ये अनाचार है, इससे बचना है। हम उस परंपरा में पैदा हुए जिस गांव को हम आजकल डिस्कार्ड करते हैं, जहां विदा होने से पहले यहां सीनियर सिटीजन बैठे हैं, बड़े लोग बैठे हैं, 70 पार करने वाले लोग बैठे हैं। गांव का बूढ़ा मरता था तो अपने चारों बेटों तीनों बेटों को बुला के बोलता था फुसफुसाते हुए स्वर में, कान में, कि फला रिश्तेदार के 300 रुपए बकाया है, उसके इतने रुपए बकाया है बेटा, ये दे देना। यानी कि किसी का एक रुपया हमारे पास न रह जाए पृथ्वी छोड़ते समय। इस संकल्पना के देश में अगर लोग सरकारों और बैंकों को लूट कर लंदन भाग जाते हैं और सुनते हैं कि वो शिक्षित हैं, वो अच्छे हैं, तो लानत है ऐसी शिक्षा पर। फिर उन्हें किसने सिखाया? इसलिए बीएल साहब ये सब आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसके साथ एक छोटा काम और करिएगा। शायद स्कूल एजुकेशन में यहां है या नहीं है, नहीं हो तो आप लागू करा लीजिए। यहां नैतिक शिक्षा की व्यवस्था कराइए, बच्चियों को पता चले कि नैतिकता की परिभाषा क्या है। मैं रूढ़िवादी नहीं हूं, मैं किसी वेशभूषा से नैतिकता का निर्धारण नहीं करता हूं और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। लेकिन हां, इस संस्कृति के इस जो आर्ष तत्व इसमें हैं, जो इसकी संजीवनी शक्तियां इसमें हैं, वो कैसे हम अपनी बेटियों में निरूपित करें और उससे भारत का भविष्य अच्छा हो सके, विश्व मानवता का भविष्य अच्छा हो सके, ये हमें पता चले। क्योंकि उदारता के नाम पर, उदारीकरण के नाम पर, ग्लोबलाइजेशन के नाम पर, सीमाएं बड़ी करने के नाम पर जो जो पहुंचा है हमारे देश में, वो सब वो है जो डिस्कार्डेड है। एक पंक्ति कहता हूं, आपको ठीक लगे तो मुझे सूचित कीजिए, चूंकि आप अंधकार में हैं। वेस्ट से बहुत लिया जा रहा है, मैं कहता हूं वेस्ट का वेस्ट मत लीजिए, वेस्ट का बेस्ट लीजिएगा। हमारे पास सब वेस्ट का वेस्ट है। वो पैक फूड खा रहे हैं तो हम भी पैक फूड खा रहे हैं। उनके हर सीरियल में, उनकी कोई फिल्म देख लीजिए, हॉलीवुड की, दुनिया की कोई फिल्म देख लीजिए, दिन हो कि शाम हो, परिवार के छोटे बड़े हाथ में एक वाइन का गिलास, एक विस्की का गिलास ये घूमते रहते हैं। भाई वो इसलिए घूमते रहते हैं कि वह जाड़ा पड़ता है। स्पेन में, बेल्जियम में -7, -8 है। यूरोप के कुछ हिस्सों में चले जाइए, क्या बुरा हाल है। लेनिनग्राद चले जाइए, क्या बुरा हाल है, शराब के बिना जीवन नहीं है। यहां तो तुम 48 डिग्री में रह रहे हो और तुमने यही सीख लिया है। पानी नहीं था वहां पर तो वो टिश्यू पेपर ले आए, नहाने में भी, खाने में भी, जाने में भी, यहां तो पानी ही पानी है। उसके बाद एक आइसक्रीम खाती है, दो लड़कियां 25 टिश्यू पेपर, खटखट खटखट खट। सामने वॉश बेसिन लगा हुआ है, हाथ नहीं धो सकते हैं आप, क्योंकि हमको आदत पड़ गई है कि साहब जो करता था वो हमको करना है। और साहब देश में आया था मालिक बनकर, कोड़े फटकारता हुआ चला गया, लेकिन उसकी मानसिकता बच गई है। मुझे अच्छा लगेगा कि अगली बार जब यहाँ कार्यक्रम हो तो यहाँ का प्राथमिक संचालन मातृभाषा हिंदी में हो और हमारी कोई बिटिया करे, हमारे कॉलेज की पढ़ी हुई की लड़की है। अंग्रेजी कौन सी ऐसी भाषा है, कौन सी महान भाषा है जी, 26 वर्ड्स अक्षरों की। मैंने भी सीखी है, ग्रेजुएशन में मैंने विश्वविद्यालय टॉप किया अंग्रेजी में, लेकिन मैं हिंदी का विद्यार्थी हूं और इसलिए प्रेम नहीं करता कि इस भाषा ने मुझे मान दिया, सम्मान दिया, मेरे परिवार पर जो भी लक्ष्मी की हेतु कृपा आई इस भाषा की वजह से आई, इसलिए प्रेम करता हूं कि ये मेरी मादरी जबान है, ये मेरी मातृभाषा है। अंग्रेजी अच्छी है लेकिन हिंदी से बेहतर नहीं हो सकती। वहीदा रहमान कितनी भी खूबसूरत हो, मेरी मां से सुंदर नहीं हो सकती, वो दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री है मेरी, और ये मेरी जबान है। और इसमें विशेष रूप से शेखावाटी के लोगों, राजस्थानी लोगों का तो बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आपने तो हम जैसे लोगों को, जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं जो मिक्स वेजिटेरियन हो चुके हैं, अब समय पता नहीं कौन कौन सी संस्कृति आके मिल गई है, हमें पता ही नहीं है।
आप लोगों ने हमें सिखाया कि भाषा से प्रेम कैसे किया जाता है। मैं दुनिया के किसी भी हिस्से में उतरता हूं, जॉन एफ कैनेडी उतरता हूं न्यूयॉर्क, हीथ्रो उतरता हूं लंदन, या चांगी उतरता हूं सिंगापुर, कहां उतरता हूं, पांच जो लेने वाले आते हैं आयोजक, उनमें से दो जरूर पूछते हैं थे कठी का हो जी। तो मैं समझ जाता हूं, मैं तो कहीं कहूं ये वहीं का है। बच्चा क्या कहता है, तीसरी क्लास का बच्चा आप ले रहे हैं, तीसरी क्लास का बच्चा सफेद, जैसे सामने पीछे आपने मेरा चित्र लगा दिया, ऐसा एक सफेद कैनवस है, ना उसमें घृणा है, ना विश्वास है, ना उसमें हिंदू मुसलमान है, ना उसमें भाजपा कांग्रेस है, ना उसमें अमीर गरीब है, ना उसमें सवर्ण दलित पिछड़ा महा पिछड़ा। आजकल तो इतनी पंचायत आपके यहां हो रही है, पूरा रास्ता भरा पड़ा है भाई। एक राजस्थानियों की पंचायत नहीं है, एक भारतीयों की पंचायत नहीं है, जाटों की हो रही है, ठाकुरों की हो रही है, ब्राह्मणों की हो रही है, और फिर कहते हो कि विकास क्यों नहीं हो रहा है। अरे आपने सरकारें जिताई नहीं है, आपने जातियां जिताई हैं, तो उनसे ही पूछो भैया विकास क्यों नहीं हो रहा है। तो एक कोरा कैनवस एक बच्चा आपको सौंपता है और कहता है कि मैं कोरा कैनवस हूं, आओ मुझ पर पेंट करो मैडम। हिंदी की टीचर आती है अपने स्ट्रोक मार के चली जाती है, साइंस की टीचर आती है अपनी स्ट्रोक्स मार के चली जाती है, वो जो आपने शूटिंग की क्लास रखी है उसकी इंस्ट्रक्टर आती है वो अपने स्ट्रोक्स मार के चली जाती है, योगा की टीचर आती है वो अपने स्ट्रोक्स मार के चली जाती है, और 12वीं के बाद एक पेंटिंग मिलती है। अगर वो पेंटिंग विद्रूप है, अगर वो पेंटिंग MI रोड के किसी रेस्टोरेंट से 17 साल की आयु में वो पेंटिंग रात को ज्यादा शराब पीकर ये कहती हुई वो घर वापस आती है इट्स माई लाइफ, तो दोष आपका है। लेकिन अगर वो पेंटिंग पूरी दुनिया में ओलंपियाड जीतने के बाद, ओलंपिक जीतने के बाद तिरंगा लहरवाती है, तो उसका पारितोषिक भी आपका है, उसका सम्मान भी आपका है। वो केवल माध्यम है। आप सोचिए कि आप कौन है, जितने गुरु बैठी हैं, जितनी महिलाएं बैठी हैं पढ़ाने वाली, सोचिए कि आपको कितना बड़ा काम मिला है। और बुरा मत मानिएगा, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि ताकि आपका मनोबल बढ़े, मैं आपको सिर्फ ये अनुभव कराने के लिए कह रहा हूं। मैंने स्वयं पढ़ाया है, इंजीनियरिंग छोड़ के पढ़ाया है, 17 वर्ष विश्वविद्यालयों की सेवा में रहा हूं, कॉलेजेस में पढ़ाया है, मेरे पिताजी ने पढ़ाया है, उनके बचपन के साथ ही डॉक्टर थे, डॉक्टर्स के प्रति बहुत सम्मान है, वे लोगों के तात्कालिक दुख और रोग का निवारण करते हैं, और मेरे पिताजी और वो दोनों साथ में शाम को चाय पीते थे, और रोज मेरे पिताजी उनको छेड़ते थे, अबे तेरी क्या जिंदगी है, जो आता है मरता करता आता है, मर गया डॉक्टर साहब बचा लो डॉक्टर साहब, निबट गया डॉक्टर साहब, एक मुझे देख, 58 साल का हो गया हूं, कैंपस में जाता हूं तो जिंदगी के सबसे खूबसूरत दौर में मुस्कुराते हुए लड़के लड़कियां सामने आ से आ, सर नमस्कार, गुरुजी नमस्कार, प्रणाम करते हुए सदा खूबसूरती के साथ रहता हूं, जिंदगी के साथ रहता हूं। कितनी महिलाएं यहां बैठी हैं पढ़ाने वाली हमारी अध्यापिकाएं, 48 की हो जाएंगी, 50 की हो जाएंगी, 55 की हो जाएंगी, लेकिन कितना बड़ा सौभाग्य है कि बचपन आपके साथ सदा रहेगा, आपके सम्मुख रहेगा, आपके सामने रहेगा। इस परिसर की दीप्ति तभी बढ़ सकती है जब BL साहब और इनके दोनों बेटे कस्टोडियन हो जाएं और इसके नियामक अध्यापक हो जाएं। अध्यापक तय करें कि कैसे चलना है, अध्यापक तय करें कि कैसे हो, उस दिन से इसकी दीप्ति बढ़नी प्रारंभ हो जाएगी। यहां बैठे हुए जो अभिभावक हैं उनसे भी अनुरोध है, बच्चों को वायरस से बचाइए। कोरोना का टीका तो हमारे वैज्ञानिकों ने बना लिया, लेकिन बच्चों की आत्मा को जो खुराक मिल रही है, उनके मन और मस्तिष्क को जो खुराक मिल रही है, उसका टीका तो आप ही लगा सकते हैं। अपने सुख में, अपने आनंद में, अपने निजी स्पेस में इतने व्यस्त मत हो जाइएगा कि आप ये भी ना देख पाए कि ये क्या पढ़ रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या इनके मस्तिष्क में जा रहा है। सुबह होती नहीं है इस देश में, मुझे आश्चर्य होता है कैसा कैसा जहर घुला है। 17,000 रुपए का ओपो मोबाइल खरीद के पिताजी दे देते हैं और सुबह व्हाट्सएप विश्वविद्यालय की पोपो शुरू हो जाती है। नेहरू को गाली, गांधी को गाली, सावरकर को गाली, ये कोर्स में था आपके। उनकी अपनी मर्यादा थी, उनकी अपनी सीमा थी, वो इस रथ को यहां तक लेकर आए, आपको इसे आगे लेकर जाना है। 75 वर्ष में देश जहां आया है इसमें सबका योगदान है। इतिहास की पुनर्व्याख्या इतिहास के प्रोफेसर कर लेंगे, इतिहास की पुनर्व्याख्या के लिए विश्वविद्यालयों में बनाए गए डिपार्टमेंट, PhD होती हैं, डॉक्टरेट होती हैं, उनके लिए वो काम है। ये काम समाज के नियंताओं का नहीं है, ये काम राजनीति का नहीं है, ये सरकारों का नहीं है,
सरकारों का काम है कि हमने जो उनमें टैक्स देकर और मत देकर विश्वास व्यक्त किया है उसको ठीक से वो आखिरी आदमी तक पहुंचा दें, उसके सुख के लिए तैयारियां करते हैं, ये उसका काम है, स्वास्थ्य उसका काम है। मैं आपको बधाई दूंगा इस कारण नहीं कि आप यहां बैठे हैं, कि आपके मुख्यमंत्री ने ये बात सोची कि कैसे एक नागरिक को कम से कम स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार तो मिले, उसका स्वास्थ्य तो ठीक रहे, यहां तक तो बात पहुंचे। तो जितनी बेटियां बैठी हैं इनके माँ बाप से भी अनुरोध है कि इनके भोजन, शारीरिक भोजन पर तो ध्यान दीजिए कि क्या खा रही हैं ये, इनके मस्तिष्क में क्या जा रहा है इस पर ध्यान दीजिए, ये देख क्या रही हैं। मैं मानता हूं कि आप उसमें फिल्टर नहीं लगा सकते, पर अगर आपने इनके मस्तिष्क में विवेक का फिल्टर लगा दिया तो जो भी छन के जाएगा ठीक छन के जाएगा। जो दुनिया भर से उतर रहा है उस पर आप फिल्टर नहीं लगा सकते, बट आपने इतना सिखा दिया कि ये सुनना है, ये अपना है, ये नहीं सुनना है, ये ठीक नहीं है, तो फिर जो भी आएगा इन तक अच्छा पहुंचेगा। एक बात मैं आपसे और कहना चाहूंगा कि लोग कहते हैं भारत क्या है, भारत लाल किला है, भारत ताजमहल है, भारत विधानसभा है, भारत नई संसद की बिल्डिंग है। नहीं, 1/140 करोड़ भारत मैं हूं, 1/140 करोड़ भारत आप हो। मैं अच्छा कवि बन जाऊं, आप अच्छे अध्यापक बन जाएं, हमारे हिस्से का हिंदुस्तान बनना शुरू हो जाएगा। हमें किसी की प्रतीक्षा नहीं करनी है उस भारत के निर्माण के लिए। तो जितने भी अभिभावक हैं और जितने भी अध्यापक हैं, उन दोनों से यही कहना है कि आपको सुयोग मिला है, बीएल साहब ने, चेयरमैन साहब ने मेहनत करके श्रम पूर्वक आपके लिए ये सुयोग उपस्थित किया है कि अब आप करके दिखा सकते हैं। एक पेंटर की क्या चिंता है, एक कवि की क्या चिंता है, हमसे पूछिए जब अंदर से गीत बलबलाता है और कोई लिखने की चीज ना हो। ये तो फिर भी मोबाइल आ गया है कि हवाई जहाज में बैठ के मोबाइल के ड्राफ्ट में जाके कविता लिख लेते हैं। एक जमाना था जब मोबाइल नहीं था, उस समय कागज के लिए परेशान हो जाते थे, पेन के लिए किसी से भी मांग लेते थे। आपको शायद पता हो कि दुनिया का इतना मशहूर गाना जो अभी बाहर बच्चे बजा रहे थे अपने बैंड में, मेरे वतन के लोगों, जो लता दीदी ने गाया था, वो महाकवि प्रदीप ने एक व्यक्ति से सिगरेट के खाली खोखे को मांगकर उसके पीछे लिखा था। जिस एक गीत ने लाखों करोड़ों लोगों को इस देश से प्रेम करने की और इस पर फिदा हो जाने की, इसके प्रति कृतज्ञ हो जाने की प्रेरणा दी है, वो बंबई की एक चाल के बाहर से निकलते हुए एक कवि ने एक आदमी से सिगरेट का खाली डिब्बा लेकर उसके ऊपर लिखा था। तो ये जो प्रसव की पीड़ा है कि कला कैसे बाहर निकले, चित्र कैसे बाहर निकले, बांसुरी का स्वर कैसे बाहर निकले, मेरे मुंह से कविता कैसे बाहर निकले, इस प्रसव पीड़ा को अगर ठीक आयोजन मिल जाए, ठीक कागज मिल जाए, ठीक कूंची मिल जाए, ठीक रंग मिल जाए, तो चित्रकार खिल जाता है। मैं जानता हूं कि बहुत लोग आप पर हंसे होंगे, बहुत सारे लोगों ने आपकी मजाक उड़ाई होंगी, बहुत सारे लोगों ने आपके संकल्पों में संशय पैदा किया होगा। जब महामना मदन मोहन मालवीय काशी विश्वविद्यालय की संरचना के लिए उद्यत हुए तो उस जमाने में वो इतने बड़े लॉयर थे कि 1100 चांदी के सिक्के एक दिन की हियरिंग के लेते थे, और उनके पिताजी ने कहा कि ये कैसे करोगे। मालवीय जी ने कहा मैं गांव से आया था तो आपने मुझे कुछ दिया था, बोले नहीं, बोले ये देख रहे हैं बनारस में मैंने कितनी बड़ी हवेली बनाई परिवार के लिए, जब मैं अपने लिए बना सकता हूं तो इस देश के बच्चों के लिए तो मैं बहुत बड़ा बना सकता हूं। और बाद में काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसा चमत्कार महामना ने तैयार किया, लोगों से भीख लेकर तैयार किया, झोली फैलाकर तैयार किया, यहां तो आपने यत्नपूर्वक अपने श्रम से कमाए हुए अपने धन को यहां पर लगाया। मैं पुनः बधाइयों के साथ बीएल भाई आपको भी और अध्यापिकाओं को और यहाँ के सारे स्टाफ को इस बात की बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप गौरवशाली हैं, कि परमात्मा ने आपको कूची भी दे दी है और परमात्मा ने आपको कैनवस भी दे दिया है। उठाइए कूची और बनाइए वो चित्र, जिन चित्रों को देखकर पूरा विश्व कहे कि ये शेखावाटी की बेटी है, इसलिए यहां तक पहुंचे, इसलिए इसका शीर्ष यहां तक पहुंचा है।